तो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे और आज की इस वीडियो में मेरे हाथ में है दो रुपये कॉपर निकल का 2003 में इशू हुआ एक सिक्का और आपने थंबनेल में भी देखा है 2003 का दो रुपये का सिक्का जब मैंने सेलर से पूछा इसका प्राइस क्या है तो उन्होंने कहा है टू थाउजेंड में भी है तो दोस्तों अब जो बात आता है कि टू थाउजेंड थ्री दो रुपये कॉपर निकल का क्या इतना प्राइस है क्या ये सिक्का रेयर है स्केच कैटेगरी में आता है तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं आज भी मतलब आज की डेट में 2003 कोई भी मीट का सिक्का दो रुपये का कॉपर निकल का रेयर या फिर स्केच कैटेगरी में नहीं आता है तो फिर दोस्तों जैसे कि ये थमनेल क्या झूठ है नहीं दोस्तों थमनेल भी झूठ नहीं है तो कौन सा वो खास सिक्का है टू का जिसका इतना हाई प्राइज है नॉर्मल कॉइन जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कॉइन बुक से भी हम देखेंगे नॉर्मल कॉइन का प्राइस आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में कोई भी मींट हो टू थाउजेंड थ्री का दस बीस रुपए के ही आसपास है तो इतना गुना ज्यादा मतलब टू थाउजेंड रुपीज से भी ज्यादा प्राइस दो रुपए टू थाउजेंड थ्री का कौन सा वो सिक्का है जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक और वीडियो साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी मैंने दो रुपए के खास सिक्के के बारे में मैग्नेटिक कॉइन आप देख रहे हैं ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है ज़रूर इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दो रुपये के कॉइन के बारे में या फिर मैग्नेटिक कॉइन के बारे में और मैग्नेटिक कॉइन का क्या प्राइस होता है इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो का जो लिंक है वो आज के इस वीडियो के कॉमेंट में मैं पिन कर दूंगा आप आज के इस वीडियो के कमेंट ओपन कीजिए सबसे पहला जो कमेंट होगा वो मेरा कमेंट होगा मतलब निम्स पे चैनल का कमेंट होगा उस कमेंट में इस वीडियो का ब्लू कलर में एक लिंक होगा आप बस उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं कहीं पर सर्च करने की या फिर ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिए तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जानते हैं कौन सा है वो दो रुपए का दो हजार तीन वाला एक खास सिक्का मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा निमिसमेटिक चैनल नीमिस पेज तो दो रुपये ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का हमारे भारत में यार 1990 से 2004 तक इशू किया गया था यहाँ पर एक और बात दोस्तों नोट करने वाली जो बात है 1990 में जो सिक्का नेशनल इंटीग्रेशन वाला दो रुपये इशू किया गया था उस सिक्के का जो साइज़ था थोड़ा बड़ा था उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा था एट ग्राम का था साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिटेल्स देने की कोशिश की है उसके बाद नाइनटीन से 2004 तक जो नेशनल इंटीग्रेशन वाला दो रुपये इशू किया गया था उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा था और उसका जो वेट है वो भी थोड़ा सा कम था और इस सिक्के में ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है आप जो रिवर्स साइड में आप देख सकते हैं हमारे भारत के मानचित्र राष्ट्रीय एकता हिंदी में नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में और मीन टी उसके नीचे होता है ये टू का सिक्का है और आज का जो विषय है वो है दो रुपये टू थाउजेंड थ्री के बारे में ही हम कहेंगे और ओवर साइड का जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं उसका लाइन कैपिटल सत्ता में जाते हिंदी में डिनोमिनेशन टू भारत रुपये हिंदी में इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में तो आइए आप क्वाइन बुक से थोड़ा सा और डिटेल्स लेते हैं कि इस सिक्के का आज की डेट में प्राइस क्या है उसके बाद हम उसके बाद हम जो टू थाउजेंड प्लस जो सिक्के का जो प्राइस है उस सिक्के के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों टू रुपीज़ नाइनटीन नाइन्टी मेटल है कॉपर निकेल वेट है एट ग्राम साइज है डायमीटर है ट्वेंटी एट एम एम और ये जैसे कि मैंने कहा एक बिग साइज़ का बड़ा साइज़ का कॉइन है और इससे नाइनटीन नाइन्टी में इशू किया गया था बॉम्बे कलकाटा हैदराबाद मीट से और कैलकाटा और हैदराबाद मीट का सिक्का आज की डेट में स्केच कैटेगरी में आता है प्राइस भी आप देख सकते हैं एक स्क्रीन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं उसके बाद जो जिस सिक्के के बारे में हम बात कर रहे थे उसका जो पीरियड है देखिए नाइनटीन से टू इसका वेट है सिक्स ग्राम पहले क्या था एट ग्राम डायमीटर है 26 सिक्स mm और ये देखिए 28 एट mm. तो जैसे कि मैंने कहा साइज थोड़ा सा छोटा है तो आइए हम अब देखेंगे वो सिक्का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 2003 तो 2003 का जो सिक्के का जो मिंट है देखिए बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद नोएडा अब यहाँ पर जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं फाइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी रियरिटी के स्केल में देखिए सारे ही सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है लेकिन यहाँ पर टू थाउजेंड फोर का भी सिक्के का जो प्राइस है वो भी दिया गया है यहां पर भी आप एक छोटा सा स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं स्क्रीन शॉट तो छोटा नहीं होता है लेकिन स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं तो देखिए टू थाउजेंड फोर का भी प्राइस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अब टू थाउजेंड थ्री का प्राइस आपने देखा ऐसी कंडीशन में पंद्रह रुपये पंद्रह रुपये बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद नोएडा सारे ही मीट का सिक्के का और स्क्रीन शॉट शायद आपने ले लिया है तो आइए अब पंद्रह रुपये से टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज मतलब कितना गुना होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तो वो सिक्का कौन सा है आइए जानते हैं आप साइड स्क्रीन में दोस्तों देखिए फेसबुक में एक सेलर सेल कर रहे हैं ऐसा ही एक टू का एक सिक्का और उन्होंने जो कॉमेंट में कहा है वो बस सिर्फ इतना ही कहा है परफेक्ट हैवी वेट नाइन ग्राम तो ये 2003 का कैलकाटा मीट का सिक्का है और यहाँ पर वो जो फोटो में उसलर ने देखिए ये भी दिखाया है इस कॉइन का वेट मशीन में रख कर दिखाया है इस कॉइन का वेट कितना है नाइन ग्राम है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इस सिक्के का नॉर्मल जो सिक्का है उसका वेट है सिक्स ग्राम तीन गुण सिक्स ग्राम आपने देखा है और सिक्स ग्राम से यह सिक्का है नाइन ग्राम का मतलब थ्री ग्राम तीन ग्राम ज्यादा है दोस्तों इसीलिए ये इतना कीमती है यूं ही ये ऐसे सिक्के ऐसे एरर सिक्के ये एक एरर कैटेगरी में आता है तो यूं ही ऐसे एरर सिक्के देखने को नहीं मिलता है दोस्तों और ये जो बस तीन ग्राम वेट इसका ज़्यादा है इसके लिए इसका प्राइस भी पंद्रह रुपये से टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ मतलब कितना ज़्यादा उसके साथ जो स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं सेलर से मेरा बात हुआ था बस मैंने उनसे पूछा था कि इस सिक्के का टू थाउजेंड थ्री या दो रुपये हैवी वेट कॉइन का प्राइस क्या है तो उन्होंने जो रिप्लाई में जो कहाँ है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ उसके साथ जो सिक्सटी रुपीज़ आप देख रहे हैं वो है शिपिंग का शिपिंग अलग चार्ज होता है दोस्तों से लेते हैं तो ये है वो सिक्का अब बात कहाँ पर आता है दोस्तों अब देखिए दोस्तों थोड़ी आप ध्यान से सुनिए आप और हम हमेशा ही ऐसा नहीं हो सकता कि चौबीसों घंटे हम ये वेट मशीन लेकर घूमते रहे कहीं भी कहीं भी हम जाते हैं काम पर जाते हैं या घूमने जाते हैं वो वेट मशीन हमारे पास रहेगा हमेशा चौबीसों घंटे ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये कैसे समझेंगे कि जो सिक्का मेरे हाथ में आया है हो सकता है आपके हाथों में ऐसे सिक्के आया है आप समझ नहीं पाए हो सकता है मेरे हाथ में आया है मैं भी समझ नहीं पाया कि इस सिक्के का इतना ज़्यादा वेट हो सकता है किसी किसी सिक्के में तो हम दे देते हैं क्योंकि हम जानते हैं टू का ज़्यादा प्राइज़ नहीं है अच्छा हो सकता है यू कंडीशन में नहीं आया है थोड़ा घिसे पीटे कंडीशन में आया है और हमने सोचा कि ये तो घिसा पीटा है ही तो यू कंडीशन में पंद्रह रुपये तो ये जो फाइन कंडीशन का घिसा पीटा मुझे मिला है या फिर हमें मिला है तो इसका तो कोई तीन रुपये भी नहीं देगा तो हम खर्च कर देते हैं लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है दोस्तों ऐसे जो सेलर होते हैं ना उन्हें कॉइन के बारे में ए टू जेड डिटेल्स पता होता है कि कौन से सिक्के का वेट कितना है तो सिक्के के बारे में जो वो क्या कहते हैं सिक्के के बारे में जो डिटेल्स वो डिटेल्स जानना जरूरी है सेल करने से पहले तो ये था आज के बातें दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए ऐसे सिक्के दोस्तों आपके हाथों में हाथों में भी आ सकता है तो थोड़ा सा आप चेक कर लेना सिक्के कोई भी सिक्का खर्च करने से पहले तो अगर ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आपको भी जनरल सर्कुलेशन में आज भी आज के डेट में भी आपको रेयर स्केश और कीमती सिक्के मिल सकता है एरर सिक्का भी आपको मिल सकता है ये जो सेलर सेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं से इनको मिला था और जिन्हें भी मिला था उन्हें सर्कुलेशन से ही मिला था क्योंकि 2003 का बहुत पुराना इशू है दोस्तों आज का इशू ये नहीं है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर एक और बात दोस्तों आप जो लगभग फिफ्टी परसेंट जो व्यूअर्स है वो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने में तो कोई भी हर्ज नहीं है सब्सक्राइब करना तो फ्री है इस सब्सक्राइब करने से क्या होता है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आई पर कॉन्टैक्ट दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ आप कॉमेंट करते हैं वीडियो लाइक करते हैं वीडियो देखते हैं इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मैं अपने आप को उत्साहित फील करता हूँ इसीलिए मैं एवरी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूँ नहीं तो फिर दोस्तों एक वीडियो बनाने के बाद इसे एडिट करने के बाद बहुत ही समय लगता है वीडियो बनाना एडिट करना बहुत ही समय लगता है अपलोड करना बहुत ही समय लगता है दोस्तों तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद